Good morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 4 of the chapter number 7. And today on 17th of August, we are going to read part number 5th of this chapter. Dear students, अब तक इस chapter में होता क्या है कि जो हमारे author है Alexander Baron, वो एक Quelch नेम का कोई person है उसके बारे में बता रहे होते हैं. जो क्या होता है, एक soldier होता है army में, ठीक है. वो अपनी नॉलेज को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है. अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि हम एक समर आफ्टरनून को कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज उस समर आफ्टरनून में क्या हुआ था कि जो प्रोफेसर है उसकी लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है. टर्निंग पॉइंट कैसे था कि एक कॉर्पोरल टर्नबुल नेम का कोई पर्सन था, ठीक है, एक ऑफिसर था जो उन सब प्राइवेट को ट्रेनिंग दे रहा था, उन सब सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था. तो जो ऑफिसर है वो ट्रेनिंग देते टाइम बोलता है, द आउटसाइड ऑफ अ ग्रेनेड, जो एक ग्रेनेड होता है, जो छोटा सा जो बम होता है उसका आउटसाइड, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट इज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में ये डिवाइड होता है टू असिस्ट सेगमेंटेशन, एक सेगमेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है. तो पीछे से एक आवाज़ आती है जब ऑफिसर लेक्चर दे रहा होता है, क्या आवाज़ आती है, 44, ओके. व्हाट्स दैट, द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, जो कॉर्पोरल है वो अपने शोल्डर पे देखता है और पूछता है कि क्या है. 44 सेगमेंट्स, द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, तो जो प्रोफेसर है वो स्माइल करता हुआ बोलता है कि 44 सेगमेंट्स होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं, 44. अब प्रोफेसर से इस टाइम पे किसी ने पूछा था क्या, क्वेल्च से, नहीं, उससे किसी ने नहीं पूछा था, फिर भी वो बोला, ठीक है. द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने उसके इस आंसर पे कुछ नहीं कहा, बट हिज ब्रो टाइटन, लेकिन जो उसकी भुएं थी वो तन गई, ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम, उसने अपना मुंह तो खोला कुछ कहने के लिए बट वो कुछ कह नहीं पाया. एंड बाय द वे कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडर स्ट्रोक, तो हम सब काफ़ी ज़्यादा थंडर स्ट्रोक हो गए थे, सोक्ड हो गए थे. क्यों हो गए थे, बिकॉज द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन, क्योंकि जो प्रोफेसर है वो वापस से बोल रहा था, क्या बोला वो वापस से, एंड बाय द वे कॉर्पोरल, यू शुड नॉट Should not you have started off with the 5 characteristics of a grenade? कि तुम्हें ये जो ट्रेनिंग हमें दे रहे हो, इस ट्रेनिंग को तुम्हें जो एक ग्रेनेड होती है उसकी 5 characteristics, 5 विशेषताएँ बताते हुए नहीं स्टार्ट करना चाहिए था क्या? ऐसा कौन बोलता है, एक कॉर्पोरल बोलता है, प्राइवेट बोलता है अपने ऑफिसर को. Our instructor at the other camp always used to, you know, तो बोलता है कि हमारे जो अदर कैंप पे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा ऐसा ही करते थे कि वो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताते थे, ठीक है. ऐसा किसने बोला, क्वेल्स ने बोला. इन द साइलेंस दैट फॉलोड, अब वहाँ पे क्या हुई, पूरी तरह से साइलेंस हो गई, ओके, बिकॉज किसी का भी डेयर नहीं होता था जब कॉर्पोरल बोल रहा हो तो उस टाइम पे बोलने का, क्योंकि कॉर्पोरल को ये पसंद नहीं था, ओके. अ डार्क फ्लश स्टैंड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, अब क्या हुआ, जो कॉर्पोरल का टैन फेस था, मतलब कि जो ब्राउन फेस था, वो डार्क फ्लश हो गया, मीन्स कि रेड हो गया. हियर ही सेड एट लास्ट यू गिव दिस लेक्चर, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने लास्ट में इतना ही बोला कि तुम ये लेक्चर दो, ओके. एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, ही टॉस्ड द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, और कुछ आगे बोलने के बजाय ही टॉस द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, जो ग्रेनेड था जिसपे वो लेक्चर दे रहा था वो उसने प्रोफेसर को पास कर दिया, ओके. क्वाइट अनएबेस्ड, ओके, मीन्स कि बिना शर्माए प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम टू हिज फीट, जो प्राइवेट क्वेल्च है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, विद द एयर ऑफ अ मैन कमिंग इन टू द बर्थ राइट, जिस टाइप से एक मैन किसी भी चीज़ को अपना बर्थ राइट समझता है उसी तरीके से, गेव अस एन एक्सेप्शनल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, यहाँ पे जो एक्सेप्शनल है इसका मतलब होता है कमाल का लेक्चर, ओके. तो जो प्रोफेसर है उसने ग्रेनेड पे एक कमाल का लेक्चर दिया.
दिए स्ट्रेस टू लाइन्स आर मिसिंग हियर, टू लाइन्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, वो मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ. क्या हुआ, जो प्राइवेट क्वेल्च है वो एक कमाल का लेक्चर देता है ग्रेनाइट पे. द स्क्वाड लिसन इन अ काउड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस. जो दल है वो बहुत ज़्यादा साइलेंस से और बहुत ज़्यादा डरे हुए ये सब सुन रहा था. क्या सुन रहा था, लेक्चर सुन रहा था. दल मीन्स जो टीम है वहाँ पे. ओके, कॉर्पोरल थंबुल स्टूड एंड वॉच. जो कॉर्पोरल थंबुल है वो खड़ा हुआ था और देख रहा था. इम्पैसिव एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंटेंसनेस ऑफ ग्रेज. यहाँ पे गेज है, गेज मीन्स होता है टकटकी लगा के देखना. ओके, तो वो क्या कर रहा था वहाँ पे खड़ा खड़ा, वो टकटकी लगा के देख रहा था. व्हेन द लेक्चर वॉज फिनिश्ड ही सैड. अब जब लेक्चर ख़त्म हुआ तब उसने कहा, थैंक यू प्राइवेट क्वेल्स, फॉल इन विद अदर्स नाउ. अब तुम अपने जो अदर सोल्जर्स है, जो तुम्हारे साथ के जो साथी है, उनमें तुम चले जाओ, उनके पास चले जाओ. ही डिड नॉट स्पीक अगेन अनटिल वी हैड फॉलन इन एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड. ओके, तो उसके बाद जो उनका ट्रेनर था उसने कुछ नहीं बोला जब तक कि जो हमारे ऑथर है और प्राइवेट क्वेल्च है वो डिसमिस होने की तैयारी ना करने लगे. ओके, डिसमिस मीन्स होता है वहाँ से जाने की. ओके, देन ही एड्रेस्ड अस. फिर जो ट्रेनर है उसने एड्रेस किया, मीन्स कि कब एड्रेस किया, जब वो लोग जाने लगे. ओके, अब एड्रेस करते हुए क्या बोला, वी विल रीड दैट अहेड टुमारो, दैट्स इट फॉर टुडे. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जब वो एड्रेस करेगा तभी जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा. ओके, टर्निंग पॉइंट जो प्रोफेसर की लाइफ में था वो. अब वो क्या टर्निंग पॉइंट था, टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड टुमारो, दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर.